रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्टू की रेसिपी, जो कि ये बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है। चिकन स्टू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। 1 किलो चिकन लिया है और इसको हमने अच्छे से वॉश करके 4 से 5 पानी इसको रख लिया है एक बाउल में। और यहाँ पर हमने कढ़ाई गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल गरम हो जाए फिर हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, थोड़ा सा यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून सौंफ दिया है, 2 तेज़पत्ता, 1 स्टार अनियन, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें और 1 जावित्री का फूल, ये सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसे कुछ सेकंड चटकने देंगे। साबुत मसाले चटक गए हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से तेल में निकल गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ का प्याज लेके इसको हमने रफली चॉप कर दिया है। ये सारे प्याज इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, सारे इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। और यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिया है, इसको हमने इस तरीके से काट लिया है, सारे टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे हम इसमें 4 से 5 हमने यहाँ पे साबुत लाल मिर्ची लिया है, इसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। 5 ही हमने यहाँ पे हरी मिर्च लिया था, इसको भी हमने काट लिया है, सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से रखें। और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर आपको दिखा। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है सारे मसाले को। अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन चिकन स्टू बनके तैयार हुआ है। इसमें हमने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया था। अब इसे हम अच्छे से 2 मिनट तक और भून के फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया है और बहुत मज़े की चिकन स्टू बनके तैयार हुआ है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।